नमस्कार, मैं राजवीर देसवाल एक आईपीएस अधिकारी हूं। मैंने अपनी व्यावसायिक जीवन यात्रा एक जर्नलिस्ट की तरह से शुरू की थी और आजकल मैं 35 साल पुलिस की नौकरी करके आजकल मैं वकालत करता हूं। मुझे अपने स्कूल के वो दिन याद आते हैं जब हमारे स्कूल में मॉरल साइंस और इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाया करते थे। आज के दिन मुझे इस तरह की चीज़ों का जो संस्कार पैदा करते हैं बच्चों में, इन तरह की चीज़ों का थोड़ा सा अभाव लग रहा है। और मुझे खुशी है कि सतयोग दर्शन ट्रस्ट जो कार्य कर रही है, एक ह्यूमैनिटी ओलंपियड ऑर्गेनाइज करके, जिसमें बच्चों को, लाखों लाखों बच्चों को डिजिटल इंडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के प्रयासों के जरिए जोड़ने का जिसमें प्रावधान है और जिसमें परीक्षाएं भी ली जाती हैं और इनामात जो है वो तकसीम किए जाते हैं। देखिए, ये सारा का सारा जो है एक चरित्र निर्माण की तरफ इशारा है और प्रयास है। सतयुग दर्शन ट्रस्ट को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और ह्यूमैनिटी ओलंपियड जो है उसकी मैं सक्सेस की बहुत बहुत कामना करता हूँ। और मुझे आशा है कि इस तरह के प्रयास अगर होते रहेंगे तो उनकी रीच बहुत लोगों तक वो बढ़ जाएगी और ख़ासतर बच्चों को एड्रेस करने वाली ये जितनी भी मैकेनिज्म हैं वो भी अगर सामने आएंगे तो उनका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। ये वर्ल्ड इज़ चेंजिंग सो फास्ट। आज के दिन थोड़ा सा ज़रूरत भी जैसे घर में बैठ के इन चीज़ों को सीखने समझने की है। माँ बाप भी इसमें दूसरा दोहरा एक रोल अदा कर सकते हैं। सो आप अपने बच्चों को मॉरल साइंस, चरित्र निर्माण की ओर ले जाइए और सतयुग दर्शन ट्रस्ट की तरह से, उसके प्रयासों की तरह से बच्चों को एक दिशा निर्देश दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।